वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उज़्मा। आज जो मैं रेसिपी लेकर आई हूँ वो है बिरयानी। आसानी से तैयार हो जाती है और टेस्टी भी बहुत होती है, तो मैं बता रही हूँ किस तरह से मैं बिरयानी बनाऊंगी। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैंने यखनी कर ली है। यखनी में मैंने गोश्त, तेज़पत्ता, नमक, सौंफ, मोटा धनिया, प्याज, लहसुन ऐड किया है, नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और उसको अच्छी तरह से पका लिया। जब जैसे कि हमारा गोश्त गल जाए, तो मैंने प्याज चॉप कर लिए, मीडियम साइज़ का टमाटर। ऑयल मेरा गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें प्याज ऐड करूँगी, उसको फ्राई कर लूँगी गोल्डन फ्राई। इधर मैंने फ्रेंड्स लहसुन, अदरक और 6 से 7 हरी मिर्च इसमें ग्राइंड कर ली है और इसका एक पेस्ट बना लिया है। ये देखिए इस तरह से आप इसी तरह से बनाएं, इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर लें तो बहुत टेस्टी होता है आपकी बिरयानी। देखिए मेरी ब्राउन होने लगी है, अभी इसे थोड़ा और ब्राउन करूंगी मैं। तो देखिए मेरी ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसे थोड़ी सी इसमें से ये ब्राउन प्याज निकालूंगी और एक बर्तन में रख लूंगी, बाकी इसी में रहेगी। और अब मैं इसमें जो यखनी का गोश्त है वो इसमें ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें मैं सारा गोश्त ऐड कर लूंगी इस तरह से। मैंने इसमें सारा गोश्त कर लिया है, अब मैं इसमें जो तेज पत्ता है वो भी निकाल लूंगी, फेंकूंगी नहीं, इसी में ऐड करूंगी बिरयानी में। तेज पत्ता भी इसमें ऐड कर लूंगी, यखनी वाला। और जो मेरा लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट है वो इसमें ऐड करूंगी, उसको अच्छी तरह से भून लूंगी। ये जो टमाटर सूप हुआ था वो भी इसमें ऐड कर लूँगी। अब इसमें मैं गरम मसाला ऐड करूँगी। गरम मसाले में मैं जीरा, 2 लौंग, सिया मिर्च, बड़ी इलायची ऐड करूँगी। पहले मैं सारा मटेरियल डालकर लहसुन का पेस्ट डालकर थोड़ी देर भूनूंगी इसको अच्छी तरह से। ये देखिए